आदमी जिसको मेरे को लगता है इज्जत दी जानी चाहिए, कल भी उसकी कहानी सुनाई थी, आज भी उसकी कहानी सुना रहा हूँ, उनका नाम है विजय दान देता। विजय दान देता एक ऐसा आदमी है जिसने गुजराती के अलावा किसी भी भाषा में कहानी लिखने से मना कर दिया, किसी भी भाषा में कहानी लिखने से मना कर दिया। लोगों ने कहा भाई तुम इतनी बढ़िया कहानी लिखते हो, इंग्लिश में लिखो, हिंदी में लिखो, लेकिन उन्होंने लिखने से मना कर दिया, क्योंकि वो कहते हैं राजस्थानी में लिखा। तो जो भाव है, वो भाव है भाषा, जो संवाद होता है उसमें, जो जब मुहावरे आते हैं, जब उसमें मजाक आते हैं, जब उसमें जिसको हम कहते हैं वो एनालॉजीज आती है, जब वो उस भाषा की आती है तब भाषा में मिठास आती है, नहीं तो वो कॉर्पोरेट प्रेजेंटेशन बन जाता है। तो धेता जी की कहानी है, ये मैंने 1.5 साल पहले पढ़ी थी, उसके बाद मैंने दोबारा नहीं पढ़ी है, तो मैं जो बता रहा हूँ उसमें थोड़ा थोड़ा मैं अपने ढंग से बता रहा हूँ। धेता जी की आप कहानी पढ़ोगे बहुत अलग लगेगी, लेकिन भाव वही है। तो ये कहानी ऐसी है कि हो सकता है कुछ पता नहीं, मैं दूसरी बार किसी को सुना रहा हूँ, अधिकतर समय ऐसे ऑडियंस मिलते नहीं है जिनको सुनाई जा सके, क्योंकि बहुत लोग इस कहानी को पसंद ना करें। ये कहानी दो ऐसे सेठों की है, मारवाड़ी सेठों की, जो कभी कभी घर में रहते थे, क्योंकि अधिकतर समय वो पैसा कमाने के लिए व्यापार में घर घर जाया करते थे, और ऐसे ही व्यापार में वो लोग जब जाते थे तो जगह जगह कहीं नाम मिलते हैं, उनकी दोस्ती जाती है। तो वो जब जैसे 6 महीने बाद मिलेंगे, फिर दोस्ती हो जाएगी, अरे यार कैसा है वैसा है, साथ खाएंगे वाएंगे, धंधे की बात करेंगे, तूने क्या कमाया, वो उसको अपने सिखाएगा, वहाँ जाना, वहाँ से ये खरीद के वहाँ बेचना, बड़ा फायदा होता है। तो इस टाइप की चीज़ें करते रहते थे। तो ऐसे ही दो मारवाड़ी सेठों की बड़ी गहरी दोस्ती हो गई। उसने कहा यार तू इतना बढ़िया आदमी है, जैसे रिश्ता जोड़ने का मन करते, बच्चे हैं क्या? उसने कहा नहीं मेरे नहीं है, अभी तो शादी भी थोड़ी दी। हाँ यार मेरे भी नहीं है, लेकिन एक बात है, अगर तेरे को लड़का होगा मेरे को लड़की होगी, या मेरे को लड़की होगी तेरे को लड़का होगा, शादी कर देंगे, रिश्तेदार बन जाएंगे, समझी? उसने बोला बिल्कुल बराबर सही। तो दोनों में ये एक तरह से इकरार हो गया कि अगर हमारे बच्चे अलग अलग लिंग के होंगे तो हम उनकी शादी कर। अब हुआ क्या इत्तेफाक से कि दोनों के बच्चे तो हुए पर दोनों की लड़कियां हुई, और जो थोड़ा ज्यादा तेज मारवाड़ी सेठ था उसको मालूम चल गया उसकी लड़की भी है, उसने शादी नहीं हो सकती, दहेज नहीं मिलेगा। उसने संदेशा भिजवा दिया, लड़का पैदा हुआ है यहाँ से थाली वाली में, और बकायदा रिश्ता चला गया, भाई साहब की लड़की पैदा हुई है, रिश्ता भेज दिया। अब रिश्ता तो भेज दिया, तो उसकी बीवी ने कहा पागल हो गया क्या, लड़की पैदा हुई है तू क्यों ऐसा कर रहा है, कल को बात फैलेगी, पता लगेगा, लड़ाई झगड़ा होगा। उसने कहा तो चिंता मत करना, तो जोर हुआ घर में क्या चूल्हा फूक, मेरे को फालतू की बातें ना बता, दुनियादारी मैं देखूं। उसने उस लड़की को लड़के की तरह से पालना पड़ा किया, उसको गुड़िया नहीं दी गई, उसको छोटी छोटी गाड़ियां दी गई, अब जैसे पहले तो ऐसे होता था बंदूक लाके देते हैं आजकल, उसको उस टाइप की चीजें देते, तो उसको वो चीजें दी गई जिससे लड़के खेलते थे, उसे गुल्ली डंडा दिया गया। पर कितने देर तक आप एक लड़की को एक लड़का रख सकते? आखिर शारीरिक रूप से एक लड़की को जिसको लड़का भी कहा गया है उसका ये जाहिर होना जरूरी था कि वो लड़की है, पर कहते हैं कि आंधियों को रोका जा सकता है, पहाड़ों को काटा जा सकता है, तो उन उपहारों को जो ये साबित करते थे वो लड़की है, उस सेठ ने अपनी बीवी से कहा तू कुछ कर, किसी को पता ना लगे लड़की है, कपड़े बांधे गए, सब कुछ किया गया, उस लड़की को बताया गया कि जीने का यही तरीका होता है, तू तो लड़का है, लड़के ऐसे ही करते हैं, लड़कियां ऐसा नहीं करती, उसको मालूम नहीं, बेचारा मान गया, और वो उसका नाम जो है उन्होंने रखा भी क्या, मोहन। अब मोहन अपने को लड़का सोचते हुए बड़ा हुआ, मोहन को लेकिन बड़ा हुआ ऊंचे वाचे तो आती नहीं थी उसकी, फिर भी लोग उसकी मजाक उड़ाते थे, तो पास की एक बावड़ी थी जहाँ कहते थे भूत रहते हैं, वो उधर जाया करके भी रोया करता था कि यार मेरे को मूंछ नहीं है, राजस्थान में तो लड़के अपने सीधे तांगने लगते थे, उसे मूंछ ही नहीं आ रही, उसको क्या मालूम लड़की है, वो बेचारा तो मोहन था, मैं तो लड़का हूँ आज तक। बहरहाल वो समय भी आ गया जब शादी होनी थी, सेठ की बीवी ने कहा अब तो बहुत हो गया, अब उसको बता दे ये मजाक था, ये अपने छोरे को ही बता दे तू छोरी है, कि सब खत्म हो गया, पर बात बहुत आगे जा चुकी थी, सेठ को पलटना मंजूर नहीं था, और अब वो पलट भी नहीं सकता था क्योंकि आपने कह चुके हो, अब थूथू होगी, जगह साई होगी। उसने कहा जो घूमना है अब तो शादी कर लेते। आखिर तारीख तय हुई और बारात चली, सज धज के मोहन दूल्हे की तरह से अपने घोड़े में बैठा, बारात वहां तक पहुंची, उन्होंने खूब धूमधाम से स्वागत किया, ऐसा मतलब ऐसा स्वागत किया इस बारात का कि वहां करीब 25 साल तक लोग यही बात करते रहे कि भाई साहब शादी हुई तो वैसी कैसे, मतलब कैसे उनको बुलाया गया था, कैसे उनको बड़े बड़े लड्डू खिलाए गए थे, कैसे विदेशों से पकवान बनाए गए थे, राजस्थान जैसी जगह में आइसक्रीम बनाई खिलाई गई थी। शादी हो गई, लड़की घर आई, विदाई हुई, रोना धोना सब कुछ हुआ,
इस लड़की का नाम राधा था, तो मोहन की राधा हो गई, राधा खुश। राधा ने सोचा बचपन से मेरे पिता ने जिस लड़के का मुझे सपना दिखाया है वो आज मेरा वर हुआ, अब मैं इसके साथ ऐसा जीवन जीऊंगी जो मैंने सपने देखे हैं, और हमारा तो नाम भी ऐसी है, ये मोहन राधा, कितना आनंद आएगा। दोनों घर पहुंचे, शादी के जो संस्कार होते हैं वहां तो पूजा पाठ होता है, उसके बाद फिर रात को सुहाग रात की बात, इसको बता रखा था सुहाग रात में, थोड़ा थोड़ा दोस्तों ने बता रखा था भाई सुहाग रात में क्या करते हैं, सुहाग रात का समय आया, इसको उन्होंने बताया था कि सुहाग रात में पहल आदमी को करनी पड़ती है, लड़की शर्माती है। मोहन ने वही किया, मोहन ने अपने धीरे धीरे वस्त्र उतारने शुरू किए, और यहाँ मोहन ने अपने वस्त्र उतारे उधर राधा देखती रह गई और वो बेहोश होकर नीचे गिर गई। मोहन तो सुन नहीं आया, बेहोश काय को हो गई, ये तो किसी ने नहीं बताया सुहाग रात में सो गए। खैर उसने पानी वानी डाला, उसने राधा को जगाया, उसने तेरे को क्या हो गया, थक गई क्या? उसने कहा नहीं, तू तो लड़की है। दिमाग खराब हो गया क्या? मैं मोहन लड़का, इधर सेठ जी का लड़का, लड़की तू है, मैं लड़का, समझे क्या? अब राधा सिर पकड़ के बैठ गई, उसने कहा ये किस मुसीबत में मेरे को डाल दिया, एक लड़की के साथ मेरी शादी कर दी जिसको मालूम ही नहीं है कि लड़का और लड़की क्या फर्क होता है। तब राधा ने धीरे धीरे अपने वस्त्र उठाए और अपने वस्त्र उतार कर उसने अपने अंगों को उसके अंगों से मिलाकर कहा ये देखो ये एक स्त्री होती है, पुरुष ऐसे नहीं होते, पुरुष अलग होते हैं। फिर उसने उसे बताया कि पुरुष क्या होते हैं, उसे ये बताया कि क्यों उसकी मूछें नहीं है, क्यों उसकी दाढ़ी नहीं है, क्यों उसकी आवाज और उसे पतली है, क्यों उस गांव के लड़के उस पर हंसते हैं। और मोहन को तो इस बात का एहसास हुआ कि उसके माँ बाप ने आज तक उसको लड़का बात के पास पाला था लेकिन वो लड़की थी, मोहन की तो दुनिया ही खत्म हो गई, उसे समझ में नहीं आया क्या करूं। उसको मालूम था उसके माँ बाप उससे बेहद प्यार करते थे, वो प्यार जो आप देख सकते हो, उनको मालूम था उसका कोई मकसद नहीं था, लेकिन उसके ये समझ में नहीं आया कि उन्होंने अगर ये मजाक उनके साथ किया तो क्यों किया। राधा उससे बोली देख गलती तेरी भी नहीं है, गलती मेरी भी नहीं है, अब जो होना तो हो गया, ये तो तय है, हम इस जीवन को ऐसे आगे नहीं ले जा सकते, इसमें बदलाव भी नहीं आ सकता, एक ही उपाय है, तो तुम्हारे गांव के सामने जो बड़ी पहाड़ी है उस पर चढ़ जाते हैं, वहां से कूद जाते हैं, सब कुछ खत्म, अगले जन्म में देखेंगे क्या होगा। और दोनों हाथ पकड़ के उस पहाड़ के ऊपर चढ़ने लगे। मानसून आने वाला था, पूरा राजस्थान सूखा पड़ा था, लोग एक एक बूंद के लिए तरस रहे थे, और ये जहां उस पहाड़ की चोटी पर पहुंचे तो उधर से काले बादल आने लगे। वो जब काले बादल आने लगे और उन्होंने जब पहली बूंद गिराई तो जैसे राजस्थान में मोर नाचते हैं वैसे आदमी भी नाचते हैं, वैसे ही बच्चे भी नाचते हैं। राधा का भी मन किया कि वो नाचे, उसने सोचा मरने से पहले एक बार तो नाच लूं, और राधा उस बारिश की बूंदों में गोल घूम घूम कर नाचने लगी, और वो नाचने लगी क्या पूरी गीली हो गई, धीरे धीरे उसने अपने सारे वस्त्र त्याग दिए, और जब पूरी नग्न अवस्था में जब राधा वहां नाच रही थी, जब मोहन ने उसे देखा तब उसे अपने शरीर से प्रेम हुआ, तब उसे लगा कि मैं राधा से भी प्रेम कर सकती हूं, तब उसे लगा शायद मरे बिना भी कुछ हो सकता है, शायद जिंदगी में कुछ सौंदर्य अभी भी बचा है। अपने वस्त्र भी धीरे धीरे उतार कर मोहन राधा के साथ चला गया, वो भी वैसे ही घूम घूम कर उस बारिश की बूंदों में नाचने लगा। उन्हें मालूम ही नहीं चला कि कब वो एक दूसरे के अंगों को महसूस करने लगे, कब बारिश रुकी, कब अंधकार छटा, कब रात के बादल आए, और कब उस रात के अंधियारे में उस चांदनी का चांदर ओढ़े हुए उन्होंने एक दूसरे से प्रेम किया, उन्होंने एक दूसरे को महसूस किया, और मोहन फिर मोहिनी बनकर फिर राधा की संगिनी बन गई। उस रात वो थककर नहीं सोए, उस रात वो खुश होकर सोए कि उन्हें एक नया जीवन मिल गया। जब वो सुबह उठे तो कहते हैं ना हिंदी में ये गाना है, कहते हैं कि आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर मरने का इरादा है। उनका आज जो मरने का इरादा था वो दूसरे तरह का हो गया, वो संग जीने और मरने का इरादा हो गया। राधा ने कहा नहीं मरते, बड़ी सुंदर जिंदगी है, फिर नाचेंगे। तो मोहन ने कहा लेकिन कैसे होगा ये सब, हम तो इतने अलग हैं,
हर जगह पुरुष और स्त्री की शादी होती है, दो स्त्री की शादी कौन मानेगा? और मैं जब गांव में जाऊंगा तो सब लोग मुझे हंसेंगे, वो सारे दोस्त जिनके साथ मैं खेलता था वो हंसेंगे, उनने तो कितनी कितनी अजीब अजीब बातें करी है, औरतों के बारे में बात करी, लड़कियों के बारे में बात करी, वो हंसेंगी। उन लड़कियों से मैं क्या बातें करूंगा जिनके बारे में हमने कहीं उल्टा पुल्टा बोला था। इसी उधेड़बुन में जब लगे रहे तो मोहन को एक ख्याल आया। मोहन ने कहा वो गांव के बाहर जो बावड़ी है जहां लोग कहते हैं भूत रहता है, जहां कोई नहीं आता, तो वो चलकर वहीं रहता है, वहां कोई आएगा नहीं, आनंद से रहेंगे जितने दिन जिंदा जिंदा, जितने मरे मरे। और दोनों वहां भूतों की बावड़ी में चले गए, और मजे की बात है कि वो सच में भूतों की बावड़ी, और सच में भूत आया, और भूत को उनका प्रेम इतना अच्छा लगा कि उसने कहा तुम दोनों यहां जब तक रहना है रहो, मजाल की इस गांव के पूरे राजस्थान में कोई आके तुम्हें छू दे, दिल्ली से सल्तनत से फौज आ जाएगी उसे अंदर नहीं आने दूंगा, तुम यहां रहो, ये जो बावड़ी है ये अब तुम्हारा महल है, इसके हर कमरे में रोशनी होगी, हर कमरे में खाना होगा, तुम खाओ आराम से रहो, प्रेम क्या होता है इस दुनिया को बता दो। और वो प्रेम पूर्वक महल में कमरों में चारों तरफ फूल बिखरे रहते थे, भूत ने मतलब सारा इंतजाम कर दिया था कि वो एक बहुत ही से कहते हैप्पी मैरिड लाइफ निकल चल रहा था। रात को 3-3 बजे तक उनके प्रणय चलता था, सुबह जब पहले उठ जाता था वो दूसरे को उठाता नहीं था, चुपचाप दूसरे को निहारता रहता था, इंतजार करता था कि वो कब उठे, और दोनों फिर हाथ पकड़ कर अपनी रसोई में जाते थे, साथ चूल्हा जलाते थे, चाय बनाते थे, पीते थे। थोड़े दिनों में उन्हें ज़्यादा हिम्मत आ गई तो दोनों हाथ पकड़ के उछलते कूदते गांव में भी जाने लगे, सामान खरीद कर आने लगे। गांव वाले भी कुछ तो कह सकते, उनको मालूम तो भूतों की बावड़ी में रहते हैं, पंगा लेंगे भूत मारेंगे। धीरे धीरे सबने इस बात को मान लिया कि इनका जो भी प्रेम संबंध है, गांव से बाहर रहते हैं, हमारे समाज से बाहर रहते हैं, हमें इससे कोई लेना देना नहीं। बट बात बड़ी दूर दूर तक फैल गई कि ये दो लड़कियों की शादी हो गई है, कोई इनसे कुछ नहीं कह पा रहा है क्योंकि इनके ऊपर भूतों का हाथ है। सुना है भूत इनको सब खाना देते हैं, सुना है भूत ने इनके घरों में ऐसे ऐसे पकवान दिए हैं जो सबसे सेठ राजस्थान के नहीं खा सकते, इनके पास इतना धन है कि ये कुछ भी खरीद सकते हैं, और ये इतने खुश हैं जितना कोई खुश नहीं रह सकता। ये बात बहुत दूर तक पहुंची तो मोहन की मौसी की लड़की को भी मालूम चली। एक दिन मोहन की मां अपनी बहन की लड़की को लेकर इनके दरवाजे पे आए, उसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि यार आज माँ को क्या हो गया, माँ तो मेरी बात मान गई। तो उसे बाद में मालूम चला माँ तो आना नहीं चाहती थी, मौसी की लड़की लेके आई है। और जब वो सब बैठे उन्होंने कहा दीदी कैसी हो तुम, बड़ा बढ़िया चल रहा है, ये है वो है, सब जब बात हो गई तब मौसी लड़की ने मोहन से कहा अब तो तुम मेरी सखी है, अब तो तू मेरा भाई था, तुझे एक ऐसी बात बतानी है जो दो महिलाएं हैं आपस में कर सकती हैं। मेरा तलाक नहीं, मेरा तलाक इसलिए होने वाला है कि क्योंकि मेरे पति में पौरुष नहीं है। मैं ये किसी से कह नहीं सकती कि मेरे पति में पौरुष नहीं है, कोई मानने को तैयार नहीं है पति के में पौरुष नहीं है, पर मेरे गांव की हर औरत कहती है कि मैं बांझ हूं, अगर ये रिश्ता टूट गया, अगर उसने मुझे छोड़ दिया, मैं कहीं की नहीं रहूंगी, मैं मरना नहीं चाहती, क्या तेरा भूत मेरे पति का पौरुष ला सकता है? तो इन्होंने मोहन और राधा ने दूसरे को देखा, उसने कहा भूत से ही पूछ लेते हैं। मोहन अंदर गया, उसने भूत को बुलाया, भूत से बोला क्या तुम्हारे पति का पौरुष, तुम उसके पति का पौरुष वापस ला सकते हो? भूत ने कहा करने को तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं तो ये दुनिया को उल्टा कर दूँ उठा के, ये क्या बात है, जो भी मांगना सोच के मांगना, करने को मैं कर दूँ। उसने कहा बहुत तकलीफ में बेचारी बचपन की सखी है, आप कुछ कर दो। भूत ने कहा ठीक है जो तुमने मांगा वो हुआ। मोहन ने जाकर अपनी बहन से कहा बहन तू जा, जो तू चाहती थी वो हो चुका। उसे गले मिलकर, उसे गले लगाकर रोती हुई उसकी सखी, उसकी बहन वहां से चली गई। और वो गई क्या कि सच में कुछ दिनों बाद खबर आई कि उसका प्रेम संबंध वापस जुड़ चुका है, कि अब वो माँ बनने वाली है, कि 9 महीने बाद उसके घर में एक बच्चा आएगा और वो जो आज तक बांझ थी माँ बन जाएगी। उसके गांव में उसका जो पूरा जो आदर, जो सत्कार है, जो उसका स्टेटस है, सब कुछ बदल जाएगा।
सब खुश थे। मोहन और मोहिनी और राधा बड़े खुश थे इस बात से कि चलो आज तक तो लोग हमने सबने उनको देश निकाला टाइप का कर दिया था, लेकिन अब ये हमसे प्रेम करने लगे हैं क्योंकि इन्हें हमें जरूरत पड़ती है, जरूरत होती है तो प्रेम बढ़ता ही है। तो जरूरत इसमें ज्यादा ना, मोहिनी को एक दिन ख्याल आया कि जब ये एक निर्वंश आदमी के पौरुष को जगा सकता है तो ये मुझे भी तो एक स्त्री से पुरुष बना सकता है। उसने राधा से कहा, हम दोनों स्त्रियों की तरह से रहती हैं, बहुत प्रेम करती हैं, क्यों ना ऐसा हो कि मैं पुरुष बन जाऊं, हमारा प्रेम और बढ़ जाएगा। राधा ने कहा, रिस्क मत ले, ठीक है चलने दे, हम खुश, कमी क्या है हमारे पास, क्यों कहीं और जाना चाहते हैं। चिड़ियों को देखें, चिड़ियां एक जगह रहती हैं, उनके पास पंख है लेकिन उड़ के कहीं नहीं जाती, वहीं आती है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, तो इसको छेड़ना। लेकिन मोहिनी के दिमाग में वो कीड़ा तो बैठ चुका था, जिस इरादे से उसे पाला गया था, जो कह के उसे पाला गया था, वो होने की तमन्ना उसके अंदर दिन प्रतिदिन तीव्र होती गई। आखिर एक दिन उसने राधा से कहा, तू मेरी बात मान ले, मुझे पुरुष होने दे, मैं तुझसे वादा करता हूँ जितना प्यार मैं तुझसे करता हूँ तुझसे उससे अधिक प्यार, प्यार हमारा घट ही नहीं सकता, इससे अधिक ही बढ़ेगा। राधा आखिर मान ली थी। मोहिनी ने भूत से जाकर बात करी, बोला जब तुम मेरे बहन के पति के पौरुष को वापस लौटा सकते हो, ला सकते हो, तो तुम जाहिर है मुझे पुरुष भी बना सकते हो। उसने कहा, हाँ मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ, मैं तो दुनिया उल्टी कर सकता हूँ, तो क्या तुम मुझे पुरुष बना सकते हो? उसने बनाने को, तो मैं तुझे पुरुष बना दूँ, मैं तुझे हाथी बना दूँ, जानवर बना दूँ, जो बोल दो बना दूँ, तय तुम्हें करना है, तुम क्या बनना चाहते हो? कहते नहीं, मैंने तो तय कर लिया है कि मैं तो पुरुष बनना चाहती हूँ। और राधा क्या चाहती? नहीं, राधा को भी मैंने बना लिया, राधा भी कहती तुम पुरुष बन जाओ, पक्का सोच ले, बाद में मुझे ना कहना कि तूने ये किया तो ऐसा हो गया, जैसा किया तो वैसा हो गया। मोहन बोला, हाँ हमने सोच लिया है, कोई नहीं जी, तुम मुझे पुरुष बना दो। भूत ने तथास्तु कहा और उस दिन मोहिनी वापस मोहन बन गई सच्चे मायने में। आज उनकी सही मायनों में सुहागरात थी। भूत ने वो सारे बंदोबस्त किए जो किसी की शादी में होते हैं। कमरे का चप्पा चप्पा गुलाब के फूल और मोगरे के फूलों से भर दिया गया। एक सुंदर सी चादर सजा दी गई। कमरे में 1000 दिए जला दिए गए। किनारे पे 4 कोनों में धूप बाती लगा दी गई। खुशबू से पूरा महल भर गया। आसपास की चिड़ियां और तितलियां भी चहचहाने लगी कि आज न जाने क्या हुआ, ऐसा लगा जैसे रात में बसंत आ गया। एक शर्मीली दुल्हन की तरह से राधा अपने कमरे में बैठी। उसने लंबा सा घूंघट लगाया उस सुंदर सी साड़ी में जिसमें हीरे मोती जुड़े हुए थे और जो भूत ने उसे एक पिता के रूप में लिए थे। मोहन ने उस दिन अपने कपड़े पहने, जूतियां पहनी अपनी, उसने धोती लगाई, लंबा सा कुर्ता लगाया, सिर में पगड़ी बांधी और ऐंठता हुआ आराम से अपनी दुल्हन के कमरे में गया। दुल्हन के कमरे में जाकर उसने अब सुहागरात को वैसे ही मनाना चाहा जैसे उसे बताया गया था कि सुहागरात मनाई जाती है। इस बार उसने अपने वस्त्र खोलने से पहले राधा के वस्त्र उतारने शुरू किए। धीरे धीरे उनमें वही प्रणय जो पहले होता था वो होने लगा और जब वो प्रणय अपने चरम सीमा पर पहुंच गया तब उसे अपने पुरुषत्व का ख्याल आया और वो अपने पुरुषत्व को दिखाने को आतुर हो गया। जिस प्रणय में केवल प्रणय के अलावा कुछ नहीं था उसमें थोड़ा सा दर्द आने लगा, थोड़ा सा जोर आने लगा, थोड़ी सी ताकत आने लगी। लेकिन राधा खुश थी, उसे लगा शायद यही स्त्री होना होता है। और दिनों में वो प्रणय लीला के बाद सुंदर मुस्कान के साथ आराम से सो जाया करते थे, आज वो थक कर सोए। और जब अगली सुबह हुई, मोहन उठा, उसने आज राधा के उठने का इंतजार नहीं किया, उसने राधा को उठाया और कहा, राधा क्या तुम मेरे लिए चाय बना सकती है? राधा गई, राधा चाय बना के लाई। उस दिनों में समय बीतता है, पेड़ बड़ा होता है, फूल बनता है, बीज गिरता है, नया पेड़ खुलता है, नया फूल बनता है, नए बीज बनते हैं, समय बढ़ता है, समय बीतता गया। 2 महीने बीत गए, उनके वैवाहिक जीवन में कोई किसी तरह कोई कष्ट नहीं था, प्रेम तो था, पर राधा को कहीं पर अंदर कुछ बदलाव लगने लगा।
उसे लगने लगा अब ये मोहन वो नहीं है। उसने मोहन से कहा, तुम पहले तो मेरे सोने के उठने का इंतजार किया करते थे, तुम मेरे चेहरे को टकटकी लगाए देखते रहते थे, अब ऐसा क्या बदल गया, अब मेरे चेहरे में ऐसा क्या बदलाव आ गया कि तुम मुझे जगाना जरूरी समझते हो। कल तक तुम मेरा हाथ पकड़ मुझे गांव में घुमा करते थे, तुम्हें किसी तरह की झेप नहीं थी, आज क्या हुआ कि तुम मेरा हाथ पकड़ने से कतराते हो, आज क्या हुआ कि तुम मुझे गांव नहीं ले जाना चाहते, आज क्या हुआ कि तुम्हें लगता है कि लोग मुझे देख रहे हैं, कल तक तुम्हें तो ऐसा नहीं था। मोहन कुछ नहीं बोला, मोहन को समझ में नहीं आया कि क्या बोला जाए। फिर समय बीता, फिर दो बसंत बीते, चीजें खराब होती गई, वो जो दिए रात को 3 बजे जलते थे बुझते थे, वो 2 बजे बुझे, फिर 1 बजे बुझे, करते करते 8:30 बजे दिए बुझने का समय जो है रिपोर्ट हो गया। और तब एक दिन जब 7 बजे मोहन सोने को गया, जब उसकी तरफ पीट करके राधा लेटी हुई थी, उस अंधियारे में जब उसे नींद नहीं आ रही थी, तब उसे अंदर से कुछ लगा, कुछ अजीब सा एक एहसास हुआ जिसका वो शब्दों में वर्णन नहीं कर सकता। वो चुपचाप से उठा, बावड़ी से बाहर पीछे की तरफ गया, उस पीपल के पेड़ के नीचे जहाँ भूत रहता था, उसने भूत को पुकारा, हाथ जोड़ा और बोला, मुझे मोहिनी बना। Thank you.